हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए एक नया लेसन लेके आए हैं। आज हम लोग चलिए सीखते हैं कि हम लोग गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। गिटार बजाने में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गिटार को ट्यून करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप गिटार को ट्यून नहीं करते हैं तो गिटार यदि बजाइएगा तो फिर जो बेसुरा लगेगा और वो बजाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे मेन चीज़ है ट्यून करना गिटार। तो चलिए हम लोग सीखते हैं किस ढंग से हम लोग ट्यून करते हैं। तो सबसे पहले के समय में हम लोग जो है हम लोग कीबोर्ड के थ्रू हम लोग ट्यून कर लेते थे, लेकिन अभी के समय में हम लोग ट्यूनर के थ्रू ट्यून करते हैं। और आज हम लोग जो है अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, मोबाइल ट्यूनर सॉरी गिटार ट्यूनर, और उस ढंग से हम लोग गिटार को ट्यून करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैं आप लोग को कि मेरे पास है DA करके ट्यूनर है। आप देख सकते हैं कि DA ट्यूनर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आप गूगल प्लेयर पे, है ना, गूगल प्ले पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाकर, ठीक है, और उसको स्टैंडर्ड मोड पे रख दीजिएगा और उसके बाद आप ट्यून कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप सबसे पहले आपको पता है कि मैं, है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग का नेम हम बताए थे ई, सेकेंड का बी, थर्ड का जी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए और सिक्स का आई। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ई है तो ई को ई से हम लोग ट्यून करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग को हम लोग ओपन प्ले करते हैं विदाउट एनी, है ना, कहीं भी फ्रिट को दबाए हुए। तो देख ओपन प्ले करते हैं, अब देखते हैं ई आ रहा है ना, अभी भी ई में कम है। यदि ई में सही आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। अब देखिए ये ग्रीन हो गया, यानी कि आपका ये फर्स्ट स्ट्रिंग आपका ट्यून हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्ट्रिंग की ओर चलते हैं। सेकेंड स्ट्रिंग का नाम है बी, ठीक है। तो बी को हम प्ले करते हैं ओपनली, है ना, ओपन प्ले करते हैं। तो बी में अभी आ रहा है ए शार्प, तो ए शार्प के बाद आता है बी। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे जब बढ़ाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा टाइट करते हैं। अब बी आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा और टाइट करेंगे, थोड़ा देखिए। अब देखिए बी आपके सामने आ गया, आप देख रहे हैं बी आ गया, यानी कि आपका ये सेकंड स्ट्रिंग भी ट्यून हो गया। अब थर्ड स्ट्रिंग की ओर चलते हैं। थर्ड स्ट्रिंग का नाम है जी, जी तो सेकंड प्ले कर रहे हैं। जी जी आ रहा है लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है, ग्रीन नहीं आ रहा है। तो इसको और थोड़ा ट्यून करना बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे हम लोग। देख सकते हैं कि हम लोग का थर्ड स्ट्रिंग ये जी ग्रीन आ गया, यानी कि ये थर्ड स्ट्रिंग आपका ट्यून हो गया। अब फोर्थ स्ट्रिंग किस तरफ चलते हैं। फोर्थ स्ट्रिंग का नाम हम लोग को बताए थे डी, तो फोर्थ स्ट्रिंग को हम लोग ओपनली प्ले करेंगे। अब देखिए फोर्थ स्ट्रिंग में डी आ रहा है लेकिन थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा। अब देखिए ये ग्रीन आ रहा है, यानी कि आपका फोर्थ स्ट्रिंग भी ट्यून हो गया। अब फिफ्थ स्ट्रिंग का नाम है ए, तो ए को भी हम ओपन प्ले कर रहे हैं, देखते हैं। ए आ रहा है लेकिन अभी भी ग्रीन नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं हम लोग। ये आपका स्ट्रिंग ए, है ना, ग्रीन आ गया, यानी कि ये भी आपका ट्यून हो गया, थोड़ा सा कम है, है ना, ये ग्रीन आ गया, आप देख सकते हैं, यानी कि ये ट्यून हो गया। सिक्स स्ट्रिंग का नाम है फिर ई, तो ई से हम लोग इसको फिर ट्यून करते हैं। तो जी आपका डी शार्प ई आ रहा है आपका, देखिए इसको थोड़ा टाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, देख सकते हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं इसको। ये ग्रीन आ गया, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा हम लोग का ये सिक्स स्ट्रिंग ये ट्यून हो गया, है ना। इस ढंग से आप ट्यून कीजिए गिटार को, उसके बाद आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।